सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ चुके हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए, ये रैली बहुत बड़े स्तर पर आयोजित होने वाली है और इस रैली के साथ बहुत बड़ा मैसेज भी कन्वे किया जाएगा। कांग्रेस की जो देश के अंदर मौजूदा स्थिति है तो उसको और मजबूत करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसा मुद्दा जो है वो अपने हाथ में लिया है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और वो मुद्दा है महंगाई। पिछले कुछ समय से जिस तरह से देश के अंदर महंगाई अपने चरम पर है, घरेलू महिला का तो घरेलू बजट है वो बंद बिगड़ गया है, एक आम आदमी का है वो बजट बिगड़ गया है, खासतौर से इस तरह से पेट्रोल डीजल और आम घरेलू चीजों के दाम बढ़े हैं, उससे मतलब हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर परेशान जरूर है। तो शायद कांग्रेस ने जो एक कहा जाता है कि आम व्यक्ति नब्ज जरूर टटोलने का काम किया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सिर्फ स्तर पर इस रैली की तैयारियां की है, उसमें ना सिर्फ जो राजस्थान सरकार का जो है वो प्रतिष्ठा दाव पे लगी दी है, बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस के जो रणनीतिकार है उनकी प्रतिष्ठा भी दाव पर है। उसका सीधा सा कारण एक रैली दिल्ली में होती थी, लेकिन किन्हीं कारणवश दिल्ली को जयपुर में किया गया। अब जो राजस्थान से जुड़े हुए जो पड़ोसी राज्य है, जैसे हरियाणा है, जैसे उत्तर प्रदेश है और जो अन्य राज्य है, तो उन राज्यों का भी इस रैली के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, और ये देखना होगा कि उनके योगदान की रैली कितनी संभव हो सकती है। अभी तक की जो प्लान कांग्रेस की है वो करीब 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जयपुर में इकट्ठा करने की है, और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है वो इस रैली को संबोधित करेंगे। कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ कांग्रेस जयपुर से हुंकार भरेगी और अपनी जो आवाज को देश और दुनिया तक पहुंचाएगी। मुझे लगता है कि एक तरह से ये देश के अंदर एक किसान आंदोलन के बाद एक बड़ा पॉलिटिकल जो है वो मूवमेंट होने जा रहा है, और अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस और उसके रणनीतिकारों ने इस रैली को लेकर जो लक्ष्य तय किए थे वो उन लक्ष्यों पर कितनी जो है वो खरी उतरती है या उन लक्ष्यों को कितना प्राप्त कर सकती है। जी जी सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।